देखिए, लगभग एक सप्ताह से हम हर शाम को होटल और ढाबे, रेस्टोरेंट आदि को चेक करवा रहे हैं, ताकि कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर रुकने की चेष्टा भी करे तो हमें पता चले। इसके अलावा स्टेडियम जो है वो पुलिस के कंट्रोल में है पिछले 3-4 दिनों से, और 13 से तो हमने रिस्ट्रिक्ट एंट्री कर दी है। 13 से पूरी तरीके से फ्रिस्क होकर के ही लोग अंदर जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर अंदर कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो जो कि अवांछित है। इसके अलावा हमने बॉर्डर्स पर अपनी चेकिंग शुरू कर रखी है, जिससे कि बॉर्डर्स पर आने जाने वाले लोग जो हैं उनकी प्रॉपर उन्हें पता हो कि यहाँ से चेकिंग के बाद ही वो जा सकते हैं। हर रात को लगभग 40 के आसपास नाके लगाए जा रहे हैं, ताकि जो भी मूवमेंट रात में होता है उसमें अगर कोई संदिग्ध मूवमेंट हमें दिखाई दे तो हम उस मूवमेंट को भी बारीकी से चेक कर सकें। इसके अलावा स्टेडियम में बहुत लंबा चौड़ा डिप्लॉयमेंट होता है, 6 कंपनियाँ हैं, लगभग 500 लोगों का डिप्लॉयमेंट और होता है। इतना डिप्लॉयमेंट के द्वारा हम उस एरिया को सिक्योर करके रखते हैं, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम संपन्न किया जा सके। सर, ऐसे मौक़ों पर थ्रेट रहता है, केंद्रीय एजेंसियों से अलर्ट किया जाता है, उसको लेकर के परकोटे के भीतर है या फिर प्रमुख जो बड़े स्थान है? देखिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे ज़िले की थाना पुलिस को अलर्ट रखा गया है। हमारी इंटेलिजेंस विंग है जो लगातार उन सभी लोगों पर नज़र रखती है जो कि किसी भी तरह से कभी भी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में लिप्त रहे हों या जिनसे किसी ऐसी गतिविधि वालों से संपर्क में रहे। तो हमारी वो कोशिश तो लगातार चलती रहती है, इस ड्यूरेशन में हम उसे और इंटेंस कर देते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात भी हो तो हमारे सामने आ जाए। जिले में इस समय शांति है और हम लगातार हर थाने को अलर्ट रखकर उस शांति को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, वॉच टावर्स लगाए गए हैं, CCTV, अभय कमांड सेंटर, ड्रोन कैमरे से? देखिए, अभय कमांड सेंटर जो है उससे हम लगातार वो सारे कैमरा जो लगभग 900 के आसपास कैमरे हैं उनसे हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और रात में भी वो मॉनिटरिंग जारी रहती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर हमें विशेष प्रयासों की आवश्यकता लगती है वहाँ पर हम वॉच टावर जैसी गतिविधियाँ भी करते हैं, ताकि ऊंचाई से हम उस एरिया पर नजर रख सकें। कुछ एरिया जो है वो डोमिनेट करके हम रखते हैं, एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज अभी संडे को भी की गई थी। उन क्षेत्रों में एरिया डोमिनेट कर करके ये निगाह रखी जाती है कहीं कोई ऐसी अवांछित गति उस क्षेत्र में नहीं चल रही हो, जिससे कि हमारी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कोई समस्या उत्पन्न हो।